नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम लक्ष्मण राव है। प्रॉपरली मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और 22 जुलाई 1952 का मेरा जन्म है। मैं अपने गांव में गुलशन नंदा जी की पुस्तकें पढ़ता था हिंदी में, जबकि मेरी मातृभाषा मराठी है। और मैं महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले में एक छोटा सा गांव तड़ेगाँव देशासर, वहाँ मेरा जन्म हुआ और 8वीं कक्षा तक मैंने वहीं पढ़ाई की। और वहाँ से मैं 30 जुलाई 1975 को दिल्ली आ गया, यानी कि 1975 से लेकर अब तक मैं दिल्ली में हूँ। और मेरा उद्देश्य लेखक बनने का था। और जब मैं अपने गांव में था तभी मेरे गांव का एक लड़का था रामदास, वो पानी में डूबकर मर गया था, उस पर मैंने पहला उपन्यास लिखा। और एक उपन्यास और लिखा, नहीं देने की नहीं कहानी, दो किताबें लेकर मैं प्रकाशक के पास गया तो प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा। फिर मैंने अपने पैसे बनाए और अपने पैसों से मैंने अपनी पुस्तकें प्रकाशित करना आरंभ किया। तो पहली पुस्तक जब प्रकाशित हुई थी तो उन्हीं दिनों, यानी कि 1981 में टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा परिचय छपा और वहाँ से मुझे एक जानकारी मिली, लोगों को पहचान मिली और कि एक पान वाला किताबें लिखता है। उस टाइम मैं पान बीड़ी सिगरेट का काम करता था, अब मैं चाय बेच रहा हूँ। और इस तरह से मैं अपने संघर्ष को आगे बढ़ाता रहा और संघर्ष भी करता रहा, साथ साथ मैं किताबें भी बेचता रहा। दिल्ली में आने के बाद भी मुझे भवनों पर मजदूरी करना पड़ा, ढाबों पर बर्तन साफ करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने संघर्ष के सामने हार नहीं मानी। यहाँ मैं पिछले 44 साल से मैं बैठा हूँ और मेरी ये पुस्तक है जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और यहाँ पर भी बिकती है। अब तक मेरे पुस्तकों की 30,000 प्रतियाँ बिक चुकी है। और लोग मुझे पूछते हैं कि ते भाटीजोर क्वालिफिकेशन, तो मैंने 37 साल की उम्र में 12वीं पास की, 50 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया, 63 साल की उम्र में मैंने इग्नू से एमए किया। इस तरह से मेरी शिक्षा रही और मैंने बहुत कुछ पढ़ा। मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, गोर्की को पढ़ा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ा, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा और ऐसे कई लेखकों को मैंने पढ़ा। और वहाँ से मुझे पहचान मिली और वहाँ से मुझे पता चला कि साहित्य क्या होता है। और साहित्य के प्रति मैं बहुत जिज्ञासा रखता था। मैंने बहुत विद्वानों को पढ़कर ये सोचा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैंने पढ़ना चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए, एजुकेशन भी बढ़ाना चाहिए। तो ये जितनी भी मेरी पुस्तकें अब आपको दिख रही है कि ये जैसे रेणु है कि एक संघर्ष करने वाली लड़की किस तरह से आगे बढ़ सकती है, उसमें वो लिखा है मैंने। पत्तियों की सरसराहट है, वो उपन्यास ऐसा है कि जैसे अंबानी जैसा एक उद्योगपति अगर छोटी सी भूल अगर कर दे या छोटी सी बीमारी से हताहत हो जाए तो वो अपनी जीवन जिंदगी बर्बाद कर सकता है, वो एक उपन्यास है। मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ज़मीन पर रहने का प्रयास करें, आप ऊँचे ऊँचे सपने मत देखिए। और जिस काम को आप करना चाहते हैं उसकी आप पूरी तरह से स्टडी करें। आप फेल हो गए इसका मतलब आप असफल नहीं हैं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर प्रैक्टिस करिए, फिर अभ्यास करिए, फिर उसका अनुभव लीजिए और आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप डिप्रेशन में इसलिए आ रहे हो कि आपने वो सोचा ही नहीं है, आपने एकदम परिणाम देखा कि बहुत अच्छा परिणाम हो मिलना चाहिए, आपने नकारात्मक सोच नहीं बनाई। जैसे मुझे कि एक प्रकाशक ने गेट आउट कहा था जब मैं अपनी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए गया था, कि मुझे उन्होंने गेट आउट कहा था, उस समय तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, उस समय मेरी योग्यता ही नहीं थी तो वो गेट आउट ही कहेंगे। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ उस व्यक्ति को जिनकी वजह से आज मेरी इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और ये बिक रही है। तो अगर मैं उस समय सोचता निराश हुई, ये हूँ वो हूँ, तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। निराशा हमेशा सामने होती है और परिणाम और अनुभव पीछे रह जाते हैं, वो हमें लेना बहुत ज़रूरी है और उसको लेकर ही हमने आगे बढ़ना चाहिए। असंभव ऐसा कुछ नहीं, आप अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और आगे बढ़िए, आप अपनी सफलता को हासिल कर लोगे।